सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के योग सत्र में करो योग रहे निरोग में हम करेंगे योगा फॉर ओबेसिटी, यानी कि मोटापे के लिए आज का योग अभ्यास होगा हमारे पूरे योग सत्र में। योग सत्र में हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ आसन करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करने के साथ साथ शव आसन करके हम अपना योग सत्र को विराम देंगे। आइए एक साथ फिर से पहले अपने मैट पे तैयार हो जाइए, अपनी जगह पर मैट पे आ जाएं, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं, आसन लगा लीजिए, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन और योग अभ्यास प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग एंड हैविंग अ योगिक सेशन ऑन योगा फॉर ओबेसिटी, यानी कि मोटापे के लिए योगा का योग सत्र है आज का हमारा। करें योग रहे निरोग में, मैं सोनाली धनवानी योग विशेषज्ञ आप सबके साथ करेंगे आज का योग अभ्यास। प्रारंभ करते हैं योग सत्र का शुरुआत। योग सेशन के स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे पहले गुरु सत्ता का आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे, गायत्री मंत्र महामंत्र करेंगे और उसके बाद योग सत्र का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। किसी भी पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन जिसमें आपको लगे कि आप एकदम सुखपूर्वक बैठे हैं, बिना किसी पीड़ा, बिना किसी दर्द के, उस आसन को ग्रहण करें। कमर गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। अब गुरु सत्ता का आशीर्वाद लेने के लिए, मंत्र बोलने के लिए आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा एवं प्रार्थना मुद्रा में भी रख सकते हैं। आपको जो प्रार्थना मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगे, उचित लगे, उस पर आप अपने हाथ को रखें, मुद्रा धारण करें, आसन धारण करें और गुरु सत्ता का आशीर्वाद एक साथ मिलके ले प्रारंभ करते हैं। भजो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्मात्वारिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्मात्वारिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप आत्मा को, उस परमात्मा को हम अपने अंदर आत्मा में धारण करते हैं। हे परमात्मा, आप हमें हमारी बुद्धि को संग मार्ग की ओर ले चलें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। इसी प्रार्थना के साथ दोनों हथेलियों को घर्षण करें, रब योर पाम्स, क्लोज आइज पे लगाएं और एक बार आप सबका फिर से स्वागत है करें योग रहे निरोग के योग सत्र में। आज हम करेंगे योगा फॉर ओबेसिटी, यानी कि मोटापे के लिए योगा। जल्दी से अपने मैट पे आ जाएं और आज का अभ्यास प्रारंभ करें। अपने आसन को खोलते हुए सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। ऐसे करेंगे तो आप लोगों को सच्चे समझ आएगा। अगर आप पद्मासन लगाना चाहते हैं तो पद्मासन लगाएं, ज्यादा बेनिफिशियल है। एकदम सीधा बैठें, मेरुदंड एकदम सीधी, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। देखिए, थोड़ा सा अगर आप आगे की ओर झुकेंगे, ध्यान दीजिए, जब आप आगे की ओर झुकें तो घुटने, पूरा प्रेशर आपका घुटनों पर। ऐसे नहीं झुकना है उकड़ू होके, आप एकदम सीधे बैठेंगे, एकदम सीधे। सीधे होने के बाद स्पाइन से सीधा थोड़ा आगे आएंगे, ठुड्डी को लगाइए कंठ रूप से,
और इनहेल एक्सहेल, फास्ट इनहेल एक्सहेल। जिनको मोटापा है वो अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। कैसे? अभ्यास देखें और आप भी शुरू हो जाए। पेट पे ध्यान देंगे। यही अभ्यास अगर आप एक बार में 25 से 30, 30 से 50 बार कर लेंगे तो आप देखेंगे जो मूवमेंट आपके पेट में हो रहा है, जो पेट की चर्बी आगे पीछे हो रही है, इतनी अच्छी इफेक्ट है इसका पतले होने से। बस ध्यान क्या रखना है, अच्छे से आप एक ऐसा आसन, पद्मासन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उचित है। एक ऐसा आसन ले लें जिसमें आप एक ही अवस्था पे बने रहें, कोई हिलाव, कोई भी मूवमेंट नहीं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, अच्छे से प्रेशर दें। पहले अच्छे से श्वास भरें, डीप इनहेल कीजिए, मुंह से प्रश्वास करें, थोड़ा सा आगे बेंड हुए, पूरा प्रेशर आपका थाइस, घुटने और अच्छे से पेट का मूवमेंट इनवर्ड आउटवर्ड स्टार्ट करिए। एक बार फिर से देख लीजिए, 25 से 50 तक आप एक बार में कर जाएं। प्रारंभ करें, इस क्रिया से क्या होगा, इस क्रिया से जब आप पेट को आगे पीछे करेंगे, इतने अच्छे मूवमेंट्स आगे पीछे करिए कि आपका पूरा प्रेशर पेट अंदर जाने पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पीछे स्पाइन पे भी आएगा। तो जब पेट पीछे जाएगा, स्पाइन पे प्रेशर आएगा, पेट आगे आएगा, पेट फूलेगा। जब आप रैपिड इनवर्ड आउटवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे पेट की चर्बी दिनों दिन महीनों में खत्म हो जाएगी और आप पतले होंगे। लेकिन एक अभ्यास नहीं, हम कुछ और अभ्यास भी करेंगे। अब सबसे पहले जरूरी है, जितने ओवरवेट वाले या ओबेसिटी वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनका मोटापा जो बढ़ता है वो क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब कि आलस आने लगता है, क्योंकि वजन बढ़ता रहता है तो शरीर भारी होता है, जब शरीर भारी होता है तो काम करने में मन नहीं लगता, सुस्ताने लगते हैं, आलसी बन जाते हैं, हर चीज को टालने का बहाना बनाते हैं। तो जब आप योग अभ्यास करें तो सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम में आपने पैरों को अच्छे से हिला लिया, अच्छे से आपने पैरों के पंजों को मूवमेंट दे दी। अब ऐसे मूवमेंट रखिए, इससे क्या होगा, इससे आपके इनर थाई, फुट, फीट, आपके नी जॉइंट्स, इन सब पे अच्छे से मूवमेंट आएगा। आप लोगों को पता होगा जितने भी ओबीस पीपल हैं, यानी कि मोटापे वाले लोग हैं, यानी कि जिनका वेट बढ़ता जा रहा है, वो आज नहीं तो कल नोटिस करेंगे कि उनके घुटनों में, पैरों में दिन भर दिन दर्द पीड़ा होती रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, गतिशीलता नहीं है पूरे शरीर में। अगला अभ्यास आइए भद्रासन। अब भद्रासन मतलब कि बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई नाम बहुत ज्यादा परिचित होगा। अब इसमें जो अपने पैरों को नीचे रख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत उचित। पर बहुत लोग होंगे जिनके पैर अभी भी ऐसे हैं, जिनके पैर अभी ऐसे हैं उनके लिए यहाँ पे आप तकिया लगा लें, कुशन लगा लें, या ऐसा कुछ रख लें गद्दी टाइप, जिससे आपके पैर जब नीचे जाए तो थोड़ा सा प्रेशर पड़े। अच्छे से 50 से 70 बार स्पीड में, अच्छे से जितनी ज्यादा मूवमेंट आप दे सकें स्पीड में देते रहें, और अच्छे से दोनों घुटनों को नीचे लेके जाएं, महसूस करें इनर थाई, पेल्विक रीजन, हिप जॉइंट्स, साइड में आपके काफ मसल स्ट्रेस होते हैं, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आता है, और आपका पूरा शरीर एकदम जब सीधा होता है तो मेरुदंड में जो प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर का, सीधेपन का, कहीं ना कहीं उससे आपके थाई मसल्स, जिनके लोग के थाई मसल्स भारी हो जाते हैं, नीचे फ्लैबी हो जाता है, काफ मसल्स फ्लैबी हो जाते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। अब ये तो हो गया अभ्यास उनके लिए जिनके पैर नीचे तक जा रहे हैं। अब जिनके पैर नीचे तक जा रहे हैं लेकिन वो और इफेक्टिव जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, आगे बेंड होइए, माथा लगा लीजिए, पुनः ऊपर उठिए, श्वास भरते हुए अपने पैरों को पीछे लेके जाइए,
जितना ज्यादा हो सके पंजों को पीछे लेके जाइए, अच्छे से स्पीड बढ़ाइए, एकदम स्वाइन स्ट्रेट, मेरुदंड सीधा, कंधे पीछे की, आगे क्यों नहीं झुकी, एकदम सीधा। और उसके बाद जमीन पे माथे लगते हैं तो जमीन पे लगाएं, पंजों पे लगते हैं तो पंजों पे लगाएं, जहां तक आपका माथा पहुंच रहा है वहां तक लगाएं। अब आते हैं उनकी बात करते हैं जिनके घुटने यहाँ पे हैं। जिनके घुटने यहाँ पे हैं वो सिर्फ एक अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे, घुटनों से थोड़ा पीछे नीचे जाए, अच्छे से प्रेशर दें, ऊपर उठें। जिनके पैर नीचे लग गए वो ये अभ्यास भी कर सकते हैं कि घुटनों को नीचे लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठिए अपने हिप रीजन से। जब आप हिप रीजन से ऊपर उठेंगे तो पूरी गतिशीलता, पूरा मूवमेंट नीचे बॉडी पे पड़ेगा। तो जो आपका लोअर बैक है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका चेस्ट और लोअर बैक में बहुत जल्दी फैट आता है, इससे आपका लोअर बैक भी टोन हो जाएगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, उससे पहले फिर से अपने हाथों को अच्छे से मूवमेंट कर लीजिए, शोल्डर्स को मूवमेंट दे दीजिए 10 से 12 बार क्लॉकवाइज, कुल्हों को अच्छे से, फ्रोजन शोल्डर्स, सर्वाइकल वाले ध्यान दें अच्छे से, जिन्हें सर्वाइकल है वो आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं झुकाव है उनका आगे की तरफ, पर पीछे झुक सकते हैं। अब आपने कर लिया, अब हमने ये किए बैठने वाले आसन, अब हम करते हैं खड़े होने वाले आसन। खड़े हो जाइए, खड़े होंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, सम स्थिति में आइए। जब आप सम स्थिति में आएंगे तो सम स्थिति में आपने दाएं हाथ को यानी कि राइट हैंड को पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा पैरों में गैप दिया है, इनहेल एक्सहेल किया हुआ है, 3 से 5 बार इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, गहरी श्वास बाहर, डीप एक्सहेलेशन, और फिर अभ्यास प्रारंभ। दोनों पैरों को थोड़ा सा मिलाते हुए, समीप लाते हुए अपने दोनों हाथों को एकदम लंबा खींचे, ताड़ासन, ये तो अवस्था आपको स्वतः होगी, आसन सब परिचित होंगे। श्वास भरे ऊपर उठे, श्वास छोड़े नीचे आए, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 तक भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। याद रखिये जितने भी मोटापे वाले लोग हैं जिनकी चर्बी कम नहीं हो रही है और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप अभ्यास कम करते हैं और आराम ज्यादा, आप अभ्यास कम करते हैं और रेस्ट ज्यादा लेते हैं, रेस्ट कम लीजिए, वर्कआउट ज्यादा कीजिए। शरीर में जब गतिशीलता ज्यादा होगी, आराम कम होगा, तो थोड़ा प्रभाव देखना शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम करने मतलब आप नींद ही ना लें, रात भर भी जागे, दिन में भी जागे, इसका मतलब ये नहीं है। यह है ताड़ासन। इसका अगला अभ्यास, थोड़ा सा पैरों को समीप लेके आए, हाथों को फिर से ऊपर उठाए, तिरताड़ासन, पैरों की जो स्पेस है वो अपने अनुसार रखेंगे और स्पीड में लेफ्ट राइट अच्छे से देखिए, साइड स्ट्रेचिंग देखिए, अच्छे से जितना हो सके साइड स्ट्रेचिंग लीजिए, जो पेट के किनारे की तरफ मोटापा है वो इससे दूर होगा। इसका अभ्यास भी आप करेंगे 30 से 70 बार। दोनों हाथों को वापस रखें और अस अवस्था में आ जाए, पुनः श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर, ज्यादा नहीं बस 3 से 5 बार। इसका अगला अभ्यास कटी चक्रासन, दोनों हाथों को सामने लेंगे, कंधों जितना अंतर पैरों में और हाथों को आगे पीछे करेंगे, हाथों को आगे पीछे यानी कि एकदम अच्छे से स्पाइन ट्विस्टिंग करेंगे। जब आपकी स्पाइन ट्विस्ट होगी तो अपने आप बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट होगी। ध्यान क्या देना है ये देखिए कि आपका सब अपर बॉडी हिलेगा, लोअर बॉडी में कोई भी मूवमेंट है ही नहीं। 50 से 70 बार इसे भी कर लें, वापस आ जाए। अगला अभ्यास हमारा खड़े होने के लिए है, दोनों पैरों में अंतर है, जितना ज्यादा दे सकते हैं, दोनों हाथों को सीधा करें,
और स्टार्ट करें। जब आपने दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ा हुआ है तो जो आपका दाया हाथ है वो एकदम ऊपर, और आप क्या करेंगे, आपकी दृष्टि दाएं उंगलियों की तरफ ऐसे ही चेंज करते रहे। हर बार गर्दन ऊपर, अच्छे से उंगलियों को देखने का प्रयास 30 से 70 बार आराम से एक बार में कर जाए। योग अभ्यास पतले होने वालों के लिए आपको अच्छा तभी लगेगा जब आपको थोड़ा सा पसीना आएगा। पसीना तब आएगा जब आप योग अभ्यास करेंगे, और चर्बी भी तभी कम होगी जब आप योग अभ्यास करेंगे। वापस आ जाए समय सिद्धि में, विश्राम लें 3 से 5 बार, गहरी लंबी श्वास, भरे छोड़े और विराम दें। अब जब हमारे खड़े होने वाले आसन हो गए हैं, अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। देखिए ये जो स्थिति है, ये आसन है वज्रासन। वज्रासन आप जरूर लगाएं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद आपका जो खाना है, वज्रासन से आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से चलने लगता है, कॉन्स्टिपेशन जैसा रोग नहीं होता, कब्ज होता नहीं है। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका मूवमेंट जो बोवेल है वो अच्छे से फ्लो होगा। जब बोवेल फ्लो हो जाएगा अच्छे से, तो फिर आपका मोटापा अपने आप ही कम होगा। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले कुछ अभ्यास। जब हम पेट के बल लेटते हैं, सबसे पहले हम लेटेंगे मकर आसन में। दोनों पैरों में अंतर एड़ियां अंदर, हथेलियां दोनों माथे के नीचे, श्वास भरें प्रश्वास करें मकर आसन। और अभ्यास प्रारंभ। सबसे पहला अभ्यास हमारा है भुजंगासन। अभ्यासी जितने हैं यहाँ पे योग के, सब जानते होंगे भुजंगासन बहुत ही कॉमन है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आइए देखें, दोनों पैरों को मिलाइए, हथेलियों को पास में रखें, कोहनियों से ऊपर उठाएं। अब जो तरीका अलग है वो ये है, बहुत लोग हाथों को इतनी दूर रखेंगे, बहुत लोग आगे रखते हैं, आपको एकदम पास में रखना है। अच्छे से श्वास भरें, ऊपर उठें, सिर्फ इतना, पूरा ऊपर नहीं उठेंगे, पहले इतना ऊपर उठें। अपने आप को एकदम शांत शिथिल बनाइए, एक अवस्था एक आसन, कम से कम 3 से 50 सेकेंड रुकिए। जब आसन ऐसा हो जाए कि आप सुख पूर्वक कर रहे हैं, उसमें कोई खिंचाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बहुत ही शीतलता से शांत मन, उसके बाद वापस आ जाए। अब भुजंग आसन को आप आराम से अगर कर लें एक बार में 50 बार, तो आप मान के चलिए कि जो आपकी पेट की चर्बी है वो कम हो गई। कैसे? जब आप ऊपर उठते हैं, ये चीज जो आपका एब्डोमेन है उधर भाग, वो जब खींचेगा, जब आप पीछे होंगे उधर भाग खींचेगा, पेट की चर्बी अपने आप कम होगी, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हाथों में पैरों में खिंचाव आएगा, और मोटापा अपने आप कम। 30 से 50 बार अभ्यास करें, 3 से 5 श्वास प्रश्वास का विराम, गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें 3 से 5 बार, शरीर को श्वास प्रश्वास को सामान्य करें। अब अगला अभ्यास, पुनः दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें, यहाँ पे रखें, ऊपर उठ जाइए। अब अगर आपको लगे खिंचाव नहीं आ रहा है, वापस आए, थोड़ा सा हाथ पीछे करें और अच्छे से ऊपर उठें। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा है, नीचे जाए, थोड़ा हाथों को सेट करें, ऊपर उठें। अब मेरे लिए है कि मेरे को थोड़ा सा पीछे चाहिए, अब इस अवस्था में बने रहें, फिर थोड़ा नीचे उठें, फिर पीछे करें और ऊपर उठें।
खींच दीजिए अपने पेट को पीछे की ओर, स्पाइन, नेक। श्वास छोड़ते हुए वापस। इसमें अभ्यास में 30 से 50 बार आप काउंट करें, मन ही मन गिनती करें, उसी अवस्था में रहें। श्वास करते हुए वापस आए। अगला अभ्यास, पेट के बल दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सीधा रखें। सीधा यानी हथेलियां भी आपकी मैट पर। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लेके आए, बाएं पैर को ऊपर उठाएं, नीचे लेके आए। 5 से 10 बार ऐसे कर लें। और फिर 5 से 10 बार ऐसे करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं, नीचे लेके आए, पुनः अच्छे से ऊपर उठाएं और ऊपर उठाएं। अच्छे से 10, 12, 13, 20 बार इस अभ्यास को करें। इतना अभ्यास अगर आप कर लेंगे, 40 से 70 बार भी करा अगर आपने, तो आप समझे 1 महीने में देखेंगे कि मोटापा एकदम खत्म, पेट की चर्बी एकदम खत्म। पेट केवल आखिरी अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाएं, घुटनों से मोड़े, एड़ियों से अच्छे से एड़ियों पे ग्रिप, श्वास भरे ऊपर उठे। अब इस पे ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, पेट को ऊपर खींच सकते हैं। अब जिन्हें मोटापा खत्म नहीं करना है लेकिन स्पाइन पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो अपने पैरों को ऊपर उठाएं। और जिन्हें दोनों चाहिए वो इस अवस्था में थोड़ा सा झूला झूल लें। अगर आप भी झूला झूला 50 से 70 बार, तो आप भी मेरी तरह पतले होंगे, स्पाइन पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, पेट की चर्बी कम हो जाएगी और तो बाकी फायदे आपको पता चल ही जाएंगे। विराम लेते हुए वापस मकर आसन में आ जाएं। 5 से 7 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। वैसे तो श्वास प्रश्वास की आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको पता चले कि मैं श्वास प्रश्वास कर रही हूं इसलिए मेरी आवाज आप तक आती होगी। वो इसलिए है क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जो आपका श्वास और प्रश्वास है वो कितना गहरा होना चाहिए। इसका ध्यान रखें और पुनः वापस आए। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन। अपनी दाएं तरफ टर्न हो जाएं और पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल आ जाए, दोनों पैरों को अच्छे से मिला के रखें, श्वास प्रश्वास। पहला अभ्यास हमारा पीठ के बल का, मोटापा कम करने के लिए या फिर योगा फॉर ओबेसिटी। प्रारंभ करें, दाएं हाथ से ध्यान देते हैं, दोनों हाथ एकदम सीधे, शरीर एकदम सीधा, एक सीध में पूरा शरीर। प्रारंभ, बायां पैर ऊपर, अंगूठा देखें आकाश की ओर खिंचा हुआ, दायां पैर ऊपर, अंगूठा देखें आकाश की ओर खिंचा हुआ, ऐसे ही 10 से 12 बार कर जाइए अच्छे से। पैर सीधा, घुटने सीधे, ज्यादा से ज्यादा सर के पास, पेट के पास। और उसके बाद जब आपने ये 15 से 20 बार किया, अगला अभ्यास आपका होगा उत्तान पादासन, यानी दोनों पैरों को एक साथ उठा के पूरा प्रेशर पेट पे। अब ये आप जितनी देर तक कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल, 30 से 50 से 70, धीरे धीरे वापस। अब जो बहुत ज्यादा मोटे हैं या जो नए अभ्यासी हैं, घुटना मोड़ के भी इसका अभ्यास करेंगे।
क्योंकि हम अभ्यास कराना तो चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप पहले दिन में कुछ ऐसा करें जिससे कोई आपको फायदा तो हो ना, लेकिन आपका शरीर और थक जाए। तो पूरी रुचि बना के अगर आप अभ्यास करते हैं तो देखेंगे कि जो प्रभाव पूरे शरीर में हो रहा है वो बेनिफिशियल है। इसी में आप एक और अभ्यास भी कर सकते हैं, क्या वो है? नौकासन। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक बार शुरू करते हुए देख लीजिए। अब इसमें हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और इसी अवस्था में बने रहे। जो ज्यादा देर लेट के नहीं कर सकते उनके लिए एक अभ्यास जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है चक्की चालासन। एकदम अच्छे से ऊपर नीचे जाके पूरे शरीर में गतिशीलता लाते हुए चक्की चलाएंगे। और जब आप देखेंगे चक्की चालासन में पूरे शरीर में साइडवेज अपर लोअर अच्छे से स्ट्रेचिंग आ रही है, अब इसी को ही क्लॉकवाइज आपके क्लॉकवाइज कहते हैं। ये तो बैठे वाले अभ्यास थे, बीच में आपको बताना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग इतनी देर लेट नहीं पाते। अब जब आप लेटने वाले अभ्यास कर रहे थे फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटनों को मोड़िए, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, पवन मुक्तासन का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आए, ध्यान देखिए पेट थाई से दबा हुआ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, माथे को लगा दे, माथा नाक चिन टुड्डी, श्वास लेते हुए पुनः वापस आ जाए। फिर से इसी अभ्यास को दोबारा करें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठ जाएं, श्वास लेते हुए पुनः वापस आ जाएं। बने रहें इसी स्थिति में, इसी अवस्था में बने रहें। अगर आप चाहें तो अब जब आपने पवन मुक्तासन कर लिया, ऊपर नीचे उठे, हर बार माथा लगाएं। अब जब आप माथा लगाएंगे तो ये देखें मेरा पेट पूरा दबा हुआ है, कोई जरा सा भी स्पेस नहीं मेरा हाथ घुसने का, इतना ज्यादा पूरे शरीर को दबा के रखें, मिला के रखें अच्छे से ऊपर और नीचे। तीन से पांच अभ्यास पीठ के बल लेटने वाले भी हो गए हैं। शुरुआत की थी हमने सूक्ष्म व्यायाम से, फिर बैठने वाले आसन, फिर खड़े होने वाले आसन, फिर पेट के बल और अब पीठ के बल। अगला अभ्यास जो साइड में फैट खत्म करता है, दोनों हाथों को एकदम सीधा रख दीजिए, तकिया भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए आपका जो सर है और शरीर है वो हमेशा मैट के अंदर, कभी भी आप अपना सर मैट के बाहर नहीं निकालेंगे भले पैर बाहर हो। चलिए दोनों हाथों को अच्छे से या तो फैला लें या तकिया बना लें, जगह होने की जगह ना होने की स्थिति में हमने पैरों को हाथों को मुड़ा हुआ है, तकिया बनाया है, आप अपना पैरों को हाथों को खोल के भी करेंगे, पैर खुले हुए हैं ध्यान दीजिए। अब क्या करें, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएं, बायां पैर दाएं नीचे रहेगा दाएं पैर ऊपर, दाएं पैर को एकदम सीधा लेके आए जमीन पे, जो साइड ट्विस्टिंग है उसको फील कीजिए। यही अभ्यास वापस पुनः बायां पैर ऊपर उठाएं, अच्छे से नीचे की ओर लेके जाएं। अब अगर कोई और भी है जिसके पास जगह ना हो तो यहां से घुटनों को मोड़ लें, क्योंकि साइड में स्ट्रेचिंग तो आनी ही है और आएगी। सीधा करें फिर से अच्छे से साइड ट्विस्टिंग, नहीं तो घुटनों से मोड़ लें। जब घुटनों से मोड़ेंगे तो आप ये अभ्यास ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए अच्छे से पैरों के ऊपर, पैरों के ऊपर पैर मतलब कि देखिए एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना, लेकिन जो आपका नेक है वो हमेशा ऑपोजिट रहेगा आपके घुटनों से। क्यों रहेगा ऑपोजिट, उल्टा क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक उल्टा नहीं रहेगा तब तक साइड वेज स्ट्रेचिंग आएगी ही नहीं। और ये है कुछ अभ्यास पीठ के बल लेटने वाले, दोनों पैरों में अंतर दें, दोनों हाथों को खोलें, लंबा गहरा शिथिल शरीर बनाएं अच्छे से, श्वास प्रश्वास और शवासन अच्छे से
पूरे शरीर को ढीला हल्का शिथिल। पांच से सात बार अच्छे से श्वास पर श्वास। लंबी गहरी श्वास, उतना ही दुगना गहरा प्रश्वास। महसूस कीजिए पूरा शरीर आपका शांत शिथिल हल्का हो रहा है। वैसे तो शवासन में ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए, ज्यादा आवाजें नहीं होनी चाहिए, पूरा शरीर शांत, पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज पूरे शरीर को शांत करते हुए दोनों पैरों को मिलाएं, बाईं ओर का तकिया बनाएं, बाईं ओर लेटें, दाएं हाथ का सहारा लें। इसी अवस्था में, पहले इसी अवस्था में थोड़ा सा दो से पांच बार श्वास प्रश्वास करने के बाद शिथिल बनाते हुए शरीर को, दाएं हाथ को रखें अपने जमीन पे अपने आगे, सहारा लेते हुए, हमेशा सहारा लेते हुए ऊपर उठें और वापस आए। अब जब आप वापस आएंगे तो आप फिर से किसी आसन में आ जाइए, ऐसा आसन जो कि आपके लिए सुखासन हो। सुखासन है आज के हमारे योग अभ्यास, जो आखिरी स्थिति और आखिरी आसन और आखिरी अभ्यास है, आसन हमने किए हुए आखिरी अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं, अगर आप कोई और प्राणायाम जानते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सब कर सकते हैं। प्रारंभ, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा, दायां हाथ नासिकाग्र मुद्रा, अपने नासिका के पास लेके आए। दाई नासिका को बंद करें यानी राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल यानी बाई नासिका से श्वास भरें, बंद, दाई नासिका से प्रश्वास, पुनः दाई नासिका से श्वास, बंद, बाई नासिका से प्रश्वास। हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट होंगे जो ओबिसिटी के साथ हाई बीपी का भी इश्यू होगा। अब हाई बीपी वाले नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। अगर अभी हम कोई और प्राणायाम बताते जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम, वो उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी वाले नहीं कर सकते। अगर हम आपको बताते गर्मी के अनुसार चंद्र भेदी प्राणायाम, तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं शांत स्वभाव के हैं उनके लिए वह भी अच्छा नहीं है। इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम तो सब कर सकते हैं, पर आपकी श्वास प्रश्वास लंबी गहरी और शिथिल रहेगी। और ऐसे ही अपनी क्षमता अनुसार नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद ध्यान की स्थिति, जितना अभ्यास किया है पूरे अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। ध्यान की अवस्था, मन शांत शिथिल और वापस। आखिरी में पूर्ण करते हुए योग सत्र को, किसी भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पाते हैं उस आसन में आए, अच्छे से हम योग सत्र को विराम देंगे आज के लिए। आज का योग सत्र हम यहीं पूर्ण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। आइए एक साथ दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में और प्रारंभ। ओम शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। शांति 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 सर्वार्थ शांतिर भवतु। कुछ क्षण पूरे शरीर को देख जाएं, श्वास प्रश्वास को देख जाएं और दोनों हाथों को रफ करें, हथेलियों का घर्षण करें, बंद आंखों पर लगाएं, शिखा मंडल लगाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आए।
आज का जो योग सत्र था हमारा योग सत्र था मोटापे के लिए यानी योगा फॉर ओबेसिटी। अब आज हमने सिर्फ ओबेसिटी की बात की है, तो जो सर्वाइकल वाले हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे या आगे की तरफ झुकेंगे तो सिर्फ 90 डिग्री। और जो हाई बीपी वाले पेशेंट है वो अपनी स्पीड रेगुलेट करेंगे, वो ज्यादा स्पीड में नहीं करेंगे, और अंडर सुपरविजन या फिर योग विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या अगर आपको कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें जैसे रोज मैसेज करते हैं और हमारे पास रोज मैसेजेस आते हैं, वैसे आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे मैसेजेस कर सकते हैं। खुश रहिए, योग का अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।